अरे दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल क्लीम टीवी 2 में खुश आमदीद और सभी दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीने मोहतरम, इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को पाकिस्तान के सूबे पंजाब के कदीम तरीन शहर के मुतल्लिक आगाह करने जा रहा हूं। लेकिन आज के इस मालूमात से भरपूर वीडियो का आगाज करने से पहले मेरी तमाम नए आने वाले दोस्तों से इल्तमास है कि अगर उन्होंने अभी तक हमारे चैनल क्लीम टीवी 2 को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर अभी तक हमारे इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल क्लीम टीवी 2 को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका पैगाम आप दोस्तों को सबसे पहले मिल सके। जिला चनियोट पंजाब के किस शहर के साथ पहले शामिल था, चनियोट का क्या मतलब है और उसे अब अलहदा जिला क्यों बनाया गया है। नाजरीन मोहतरम, चनियोट किस दरिया के किनारे आबाद है, इस शहर को इसका नाम चनियोट कैसे और क्यों दिया गया, इस शहर पर सबसे पहले किसने और किस सन में कब्जा किया, इस दौर में और किसने इस शहर पर लूट मार की और इस शहर को नुकसान पहुंचाया, इस शहर की हालिया मर्दमशुमारी के मुताबिक इसकी आबादी कितनी है, इस शहर में सबसे पहली और तारीखी बस्ती कौन सी है, इस शहर में कौन कौन सी कौमें आबाद हैं, किसके दौरे हुकूमत में यहां पर खूबसूरत और वसी मस्जिद बनवाई गई, चनियोट शहर में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि पूरी दुनिया में शोहरत रखती हैं और सबसे ज्यादा यहां पर कौन सी जबान बोली जाती है, ये तमाम इंफॉर्मेशन देंगे इस वीडियो में। तो चलो नाजरीने मोहतरम, हम अपनी वीडियो की जानब बढ़ते हैं। चनियोट को हाल ही में जिले का दर्जा दिया गया है, ये पाकिस्तान के सूबे पंजाब में वाके है। ये पहले जिला जंग में शामिल था लेकिन आबादी के बढ़ने की वजह से उसे एक अलहदा जिला बना दिया गया। अगर हम चनियोट की तारीख पर बात करें तो चनियोट का लफ्ज मून और बिहाइंड से लिया गया है जिसके मैनी है चांद के पीछे। ये सूबा पंजाब का कदीम तरीन शहर है जो कि पहले जंग के साथ वाबस्ता तारीखी शहर था लेकिन अब उसे जंग से अलहदा कर दिया गया है। चनियोट दरियाए चेनाब के बाएं किनारे पर वाके है जबकि दरियाए चेनाब चनियोट से तकरीबन 2 मील के फासले पर वाके है। ये शहर कदीम दौर में चनियों की एक बस्ती थी। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि इसी वक्त के एक फरमा रवा की एक खूबसूरत बेटी थी जिसका नाम चंदन था। वो शिकार खेलने की बड़ी दिलदार थी और चनियोट से बेहतर शिकार की जगह उसे कहीं नजर ना आई, लिहाजा इसने चनियोट में शहर बसाने का हुक्म दे दिया। यानी बाज रवायात में शहर का नाम इसी के नाम से चंदनियोट रखा गया जो बाद में चनियोट के नाम से याद किया जाने लगा। हिंदुस्तानी जंगजोई के दौरान तकरीबन 1398 में तैमूर ने इस पर कब्जा कर लिया। इसके बाद काफी अरसा तक तैमूरी खानदान चनियोट पर काबिज रहा। फिर 1741 में मुल्तान के वली सुल्तान हुसैन बिन कुतुबुद्दीन लंगा ने लोधी के सूबेदार सैयद अली खां के साथ रसाकशी शुरू कर दी और बिल आखिर लोधी ने अपने बेटे बारबुक शाह को पंजाब का सूबेदार मुकर्रर कर दिया। लेकिन सुल्तान हुसैन को ये तकरीर नागवार गुजरी और मुल्तान के करीब इसने गुमान की जंग लड़ी।
और बारबुक शाह के दांत खट्टे कर दिए। लेकिन बारबुक की फौजें इलाकाई तावन की बिना पर चनियोट पर कब्जा करने में कामयाब रही। नाजरीन मोहतरम, इसके बाद ये शहर मुगलों की जेरे हकूमत भी रहा। बादशाह अकबर के दौरे हकूमत में यहाँ पर खश्ती किला था, जो के बादशाह की फौजों का अजीम मरकज था और तकरीबन 5000 फौजी दस्ते इस किले में रहते थे। 18वीं सदी के वो आखिर में दुरानियों और सिखों ने खूब लूट मार की और इस शहर को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा। इस लूट मार के बाद अंग्रेजों ने इस पर कब्जा कर लिया, क्योंकि इस वक्त पूरे पंजाब में अंग्रेज मजबूत हकूमत कायम कर चुके थे। 1947 में कयामे पाकिस्तान के वक्त यहाँ कई दीगर कबाइल आबाद हुए, जिनमें उस वक्त हाशमी सैयद, सियाल, सिंधु, राजपूत, सुपरा, पनवार, आराई, ऐवान, डाहिर, गुज्जर, दरानी, आहिद, गोराए और शेख काबले जिक्र कौमें हैं। चनियोट में अब खास शहर और नवाही बस्तियां शामिल हैं। चनियोट शहर काफी गुंजान आबाद है। हालिया मर्दमशुमारी में इस शहर की कुल आबादी तकरीबन 9,65,124 अफराद पर मुश्तमल थी। तारीखी मुकामात के हवाले से चनियोट बड़ी अहमियत का हामिल है। शाहजहानी ओहदे हुकूमत के वजीर आला सादुल्ला खान ने यहाँ खूबसूरत और वसीय अरीज जामे मस्जिद बनवाई, जिनमें इलाके के खूबसूरत पत्थरों का नहायत उम्दा अंदाज से इस्तेमाल किया गया था। चनियोट लकड़ी, फर्नीचर और दीगर सजावटी अशिया में पूरी दुनिया में शोहरत का हामिल शहर है। यहाँ लकड़ी का काम इंतहाई उम्दा तरीके से किया जाता है। पाकिस्तान बल्कि एशिया के कई तारीखी मुकामात और इमारतों को चनियोट में तैयार किए गए फर्नीचर और लकड़ी से सजाया गया है। इस जिले की 3 तहसीलें हैं, जिनमें चनियोट, लालियां और भवाना शामिल हैं। फर्नीचर और लकड़ी की कुंदाकारी के अलावा चनियोट खाने के बर्तनों में शोहरत रखता है। नाजरीन मोहतरम, चनियोट में यानी यहां पर पंजाबी जबान बोली और समझी जाती है। तो नाजरीन मोहतरम, आज की मालूमात से भरपूर वीडियो का इख्तिताम मैं यहीं पर करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप दोस्तों को हमारी ये वीडियो पसंद जरूर आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक अपने दोस्त कलीमुल्ला को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।